नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज की वीडियो है 28 फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर एक है, हाल ही में प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो जो प्रारंभिक स्तन कैंसर का जो पता लगाने के लिए जो सवेरा कार्यक्रम है, इसे हरियाणा तो हरियाणा सरकार द्वारा इसे शुरू किया गया है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सवेरा कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्देश्य है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्तन कैंसर की शीघ्र पहचान और रोकथाम करना है। और इसकी शुरुआत मेदांता फाउंडेशन ने गुड़गांव में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से की है। क्वेश्चन नंबर टू है, किस राज्य ने फरवरी 2024 में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया है? तो जो मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 है, तो इसे असम असम राज्य द्वारा निरस्त कर दिया गया है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो असम सरकार द्वारा मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण जो अधिनियम 1935 है, तो इसको समाप्त कर दिया गया है। असम कैबिनेट ने 23 फरवरी 2024 को इस कानून को रद्द करने की मंजूरी दे दी है। और इस कानून के खत्म होने के बाद जो राज्य की मुस्लिम महिलाएं हैं, इनको उत्पीड़न और शोषण से मुक्ति मिलेगी और इस अधिनियम से जो बाल विवाह है, इसे समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर थ्री है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी का आरंभ कहां हुआ है? जो भारत की सबसे बड़ी जो रक्षा उपकरण प्रदर्शनी है, इसका आरंभ महाराष्ट्र में किया गया है। तो महाराष्ट्र में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी का आरंभ हुआ है। तो भारत की जो सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी है, डिफेंस एक्सपो, तो जो डिफेंस एक्सपो है, इसका आयोजन महाराष्ट्र सरकार के उद्योग विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत रक्षा बलों के लिए आवश्यक नवीनतम हथियारों का निर्माण देश में ही हो। क्वेश्चन नंबर फोर है, हाल ही में पर्पल फेस्ट का आयोजन किसके लिए किया गया है? तो जो पर्पल फेस्ट है, तो इसका आयोजन किसके लिए आयोजित किया गया है? दिव्यांगजनों के लिए आयोजित किया गया है पर्पल फेस्ट का आयोजन। तो हाल ही में राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में दिव्यांगजनों के लिए एक दिवसीय पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया है। और जो इसका आयोजन है, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस है, तो इसका आयोजन स्पेन में किया जा रहा है। तो बी ऑप्शन स्पेन में। डिटेल जान लेते हैं। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस दुनिया का सबसे बड़ा टेक इवेंट है और इस इवेंट को हर साल आयोजित किया जाता है। और इस इवेंट में दुनिया भर की जो दिग्गज टेक कंपनियां हैं, ये अपनी अपनी नई टेक्नोलॉजी और नए प्रोडक्ट यहां पर लॉन्च करती है। और इस बार का जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस है 2024 स्पेन के शहर बार्सिलोना में आयोजित किया जा रहा है। और जो आयोजन है, 26 फरवरी से 29 फरवरी तक आयोजन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? तो जो गगनयान मिशन है भारत का, तो इसके लिए चार अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है गगनयान मिशन के लिए। तो भारत के स्पेस मिशन जो गगनयान मिशन है, इसके लिए चार अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। और इसमें जो ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन आनंद अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। तो इन चार लोगों को गगनयान मिशन के लिए नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, दुनिया की जो पहली वैदिक घड़ी है, ये किस भारतीय राज्य में स्थापित की गई है की जाएगी? जो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है, ये किस भारतीय राज्य में स्थापित की गई है? तो ये की गई है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में दुनिया की जो पहली वैदिक घड़ी है,
ये मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। तो दुनिया की जो पहली वैदिक घड़ी है ये मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थापित की गई है। और जो ये घड़ी है ये भारतीय पारंपरिक पंचांग के अनुसार समय प्रदर्शित करेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को इस घड़ी का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व एनजीओ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो जो विश्व एनजीओ दिवस है तो ये हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है। तो 27 फरवरी को हर साल विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जो एनजीओ दिवस है ये हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है। और ये जो दिन है ये सभी गैर सरकारी संगठनों को मान्यता देने, जश्न मनाने और सम्मान देने के लिए समर्पित है। और इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2010 से। और 2024 की जो थीम रखी गई है, बिल्डिंग ए सस्टेनेबल फ्यूचर, द रोल ऑफ एनजीओस इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये एनजीओ दिवस 2024 की थीम रखी गई है। एनजीओ एक गैर सरकारी संगठन होती है और एक ऐसी संस्था होती है जो गरीब, बेसहारा और जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। तो दोस्तों ये हो गए आज 28 फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.com। तो वहां पर डेली करंट अफेयर के सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।